हरियाणा के जींद में छेड़छाड़ के बाद पिता द्वारा सुसाइड और बेटी के आग लगाने के मामले में पुलिस ने आरोपी लड़की को गिरफ्तार किया है। उधर पीड़ित लड़की ने पीजीआई रोहतक में मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज करवा दिया। गिरफ्तार आरोपी को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। पुलिस के मुताबिक आरोपी लड़की को अगवा करने की धमकी देता था, जिससे लड़की के परेशान पिता ने जहर खाकर जान दे दी थी। पिता की मौत की खबर मिलने के बाद लड़की ने खुद को आग लगा ली। 11वीं कक्षा में पढ़ने वाली 16 साल की इस लड़की की हालत रोहतक के पीजीआई अस्पताल में गंभीर बनी हुई है। रात को करीब 8:30 बजे रोहतक में जुडिशियल मजिस्ट्रेट को अस्पताल में बुलाकर उस लड़की का बयान रिकॉर्ड किया गया है 164 सीआरपीसी का, और उसमें जो उसमें बयान में वही बात कही है जो चाचा ने बात कही है, जो एलिगेशन कंप्लेंट में है वही बातें उसने दोहराई हैं और उसका बयान रिकॉर्ड कर लिया गया। इसके अलावा रात भर SHO सदर नरवाने ने रात भर इसमें कोशिश की है, उनके रिश्तेदारों को साथ लेके भी सब लोगों ने तलाश करे थे, तो फाइनली आज सुबह को उसको घुघड़िया से जब वो अपने मामा के घर में आने की कोशिश कर रहा था उस टाइम पे वहाँ से गिरफ्तार कर दिया गया। अब उसे गिरफ्तार करके आज ही अदालत में पेश कर दिया जाएगा और वहाँ से इसके रिमांड के लिए हम लोग दरख्वास्त करेंगे ताकि उसका मोबाइल फ़ोन और एक सिम जो है जो इस्तेमाल कर रहा था वो रिकवर कर सकें। लड़की की स्थिति अभी भी नाजुक है और वो बहुत ही बुरी तरह से जली हुई है।